हेलो पार्टियों, हम एयरपोर्ट पे और जा रहे हैं इस्लामाबाद। हमें प्लान से जाना था, एक डेढ़ हफ्ते के बाद जाना था, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। तो हम बिल्कुल अचानक जल्दी में अपनी सारी तैयारी करके हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। मान गए नमाज़ पढ़ने, हम लोगों का चेक इन वगैरह हो गया। बस फ़्लाइट हमारी 6 बजे है और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह मान नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम जहाज़ में जाएंगे और दिखाते हैं आपको। फिर आज के बाद से आपको इसी व्लॉग के एंड में सारे इस्लामाबाद के व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ये जो है ना, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, नमाज़ ब्रेक के बाद आए। यहीं बैठना है या जाना है जहाज़ में? अभी तो बड़ा टाइम है, 5:15 हो रहे हैं, 6:50 की फ़्लाइट है, आज हम बहुत जल्दी आ गए। मुझे लग रहा है वहाँ पहुँचने के बाद ना इस्लामाबाद में हमारा जो सामान है वो सबसे एंड में आएगा, क्योंकि सबसे पहले चला गया, यानी चेक इन ओपन भी नहीं हुआ था, उन्होंने बस वहाँ हमारा चेक इन कर दिया। अब वहाँ पहुँच के अल्लाह ही खैर करे, खूब वाट लगेगी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला ऑप्शन होता है, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी एंड में सामान आएगा। लास्ट इन ऐसी कुछ होता है, फाइनेंस में एक दफ़ा मैं पढ़ाया था, तो जितनी जल्दी सामान जाता है उतना लेट आता है, क्योंकि वो अंदर सामान रखते हैं, लॉजिकल चीज़ है। तो ये सीन फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट का ही सुन के अभी से मेरी तो ऐसी कोई नींद आ रही है ना मुझे। अब हाँ यार, नींद आ रही है। हाँ ना, सोए कहाँ हैं भाई? सोए मैं 10 बजे तक जाग रही थी, पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो सो गया था भाई, तुम्हें 6 बजे मैंने बोला था कि फ़ोन रख के सो जाओ, तुमने 6 बजे से मैं 10 बजे तक जागी हूँ। और उसके बाद पता नहीं कब मेरी आँख खुद ब खुद लगी है, तो मुझे भूख लग रही। 12 बजे अलार्म बज गया था, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही। अभी इतने मज़े की अन्नू मामा ने कढ़ाई बनाई थी घर पे, हम जा रहे हैं तो इस उसमें हमारे प्रोटोकॉल में उन्होंने कढ़ाई बनाई थी ज़बरदस्त किस्म की, तो वो हम खा के निकले घर से। फूल हूँ मैं बिल्कुल, चाय पीने का मेरा बड़ा दिल है, लेकिन अब मैं इस्लामाबाद पहुँच के चाय पीऊँगी। देख लेता हूँ मैं चाय अगर यहाँ पर मिल जाती कहीं तो। खैर हो गई, ये देखो व्लॉगर अपना एडिट कर रहे हैं। फाइनली एयरपोर्ट पर बैठ के फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और एडिट हो रहा है व्लॉग। इतनी मेहनत से हर चीज़ के बीच में व्लॉग एडिट होता है माशाल्लाह। जा रहे हैं हम प्लेन में। जोर से बोलो पार्टी को, आवाज आ जाए। हम प्लेन में आ चुके हैं। लाइजिना परवाज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी मेज़ पर बैठने से पहले बराए करम तस्दीक कर लें कि बैट लगी हुई है। दस्ती सामान को बलाई खाने मेज़ पर बैठने से पहले कैसे बैट लगाएंगे? पानी हिफाजत रखिए। क्या आपसे मजीद क्या चुस्माती आप मेज़ों के दरमियान रास्ते में खड़े ना हो, रास्ते में खड़े ना हो उन्होंने कहा। मेज़ पर बैठने उसने बोला बराए करम आप अपनी नशिस्त में बैठने से कबल, तो सीट बेल्ट कैसे लगा? सीट बेल्ट देख ले के है ये नहीं से वाबस्ता किसी भी इंतजार के लिए जहाज के हवाले से बराए प्लेन में आ चुके हैं। 2 घंटे बाद मेरी सीट पे बैठ के मिलते हैं। मेरी सीट थी, मुझे विंडो सीट पे बैठना था। आ जा भाई, आ जा। जहाज पर मौजूद हैं, तुमसे गुजारिश है करीबी अमला से رابطہ कीजिए, शुक्रिया। अगर ये जहाज़ में मौजूद है तो ज़ोर से चिल्ला के प्रेजेंट में आज मेरा ना चुस्त पानी का बटन ऑन हुआ जी। चुस्त तरीन पानी का बटन ऑन हुआ। कैसे कर लेते इतने बड़े बड़े मजाक। चलो पार्टियों, अब ये मत समझना खाना आएगा, मैं दिखाऊंगी बताऊंगी रिव्यू करूंगी। 2 घंटे की फ़्लाइट है, इस्लामाबाद पहुंच के अल्लाह। हमारे आगे वाली जो सीट है थोड़ा सा करके हमारे आगे वाली जो सीट है उसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट पे एक आंटी बैठी है। नहीं, ये नहीं बताया। इमरजेंसी गेट पे जो सीट होती है उस पे जो बैठता है उसका जीना हराम कर देता है। आके बताते हैं, परमिशन लेते हैं कि आप रेडी हैं, अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल होगी तो ये सीट छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। ऐसा नहीं, नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, ऐसा नहीं करना। तो
ज़िद्दी शख्स नहीं होना चाहिए। उन्होंने आके आगे वाली सीट पे इमरजेंसी गेट है तो उसने आके हॉस्टेस ने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी तो मैंने मान को बोला अल्लाह का शुक्र प्रफुल हम इमरजेंसी गेट पे नहीं बैठे एक नीचे बैठे वरना 27,000 फीट की बुलंदी पे हटना भी पड़ता सीट से 37,000 ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में और ऊपर होता है 65-75-74 वो होता है हज़ार फिट अमरीका में तो फिर आसमान से बाहर हो जाता होगा और फिट से जाता है International to open your seat belt lifts up flap and pull up equipped with automatic evacuation signs the cabin crew will now point out the nearest emergency exits to you escape pod farsh par lagi hui roshni ki vikran patin sahab se bahar nikalne ke raste ki janibab ki rehnumai karenge escape pod landing along the floor will get you to your nearest exit safety guard फाइनली अम्मा आफ्टर सो लॉन्ग ये जो है ना हम यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद क्या है कौन सा एरिया है सुपरमार्केट F6 सुपरमार्केट ये भाई जो है ना वो इतने अच्छे सॉक्स बेच रहे थे आप यही होते हैं रोज जी मैं इधर ही होता हूँ तो ये अगर आपको लेने हैं ना तो F6 सुपरमार्केट में इनसे आके लें बड़े सस्ते और अच्छे क्वालिटी के सॉक्स हैं मैंने मान को गिफ्ट किए हैं सॉक्स इस्लामाबाद आने के आते ही साथ इस्लामाबाद क्योंकि मान के सारे सॉक्स खत्म हो गए यूज़ करके पार्टी हम इमरजेंसी में इस्लामाबाद इसलिए आए थे क्योंकि हयाती की तबीयत ठीक नहीं थी वो हॉस्पिटलाइज थी अब हम उससे मिल लिए अच्छे से ज़रा तसल्ली हो गई दिल को देख लिया अब हम जा रहे हैं घर तो घर पहुंच के आराम करेंगे सोएंगे ज़रा क्योंकि सुबह से ऑलमोस्ट घर से बाहर हैं तो घर पहुंच के फिर आपको बताते हैं और हाँ सबसे मज़े की बात जो आप लोगों को बतानी है वो ये कि इस्लामाबाद में ऑफिशियली जो है ना वो विंटर्स स्टार्ट हो गए और अच्छी ठीक ठाक ठंड है तकरीबन 21-22 टेम्परेचर होगा ऐसी ठंड है कि आपको दिल चाह रहा है हल्की सी कोई हल्का सा स्टॉल हल्की सी कोई हुडी पहन ले आप 22 हो रहा है पार्टियों अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद इस्लामाबाद में आज ऑफिशियली हमारा पहला दिन है मतलब कि रोशनी वाला दिन रात को पहुंचे थे हम रात की फ़्लाइट थी तो रात को पहुँचने के बाद बस हया को हॉस्पिटल में देख के और फिर हम घर आ गए थे घर आके सो गए थे सो के अभी उठे हैं कोई 3:30 बजे दोपहर को काफ़ी थक गए थे और अब बैठ के नाश्ता कर रही हूँ मैं यहाँ पे ज़रा मज़ेदार किस्म की चाय पी रही हूँ अपनी और यहाँ पे हो रहा है ज़ोरों शोरों का एडिट मान एडिट कर रहे हैं अभी डालेंगे ये व्लॉग ठीक है इंशाल्लाह और एडिट करते करते जो रहमत शीरी से हम हलवा लाए थे वो खा रहे हैं और यहाँ पे मेरी चाय हाँ तो पार्टियों हम निकल चुके हैं बाहर और बाहर निकलते ही साथ आप सबसे पहले इस्लामाबाद आए हैं तो फैसल मस्जिद तो देखना है ना उसकी ज़ियारत तो बनती है ना तो हम इस्लामाबाद में सबसे पहले आए हैं फैसल मस्जिद देखने रात हो रही है लेकिन अच्छी लग रही है रात को भी प्यारी लग रही है इस्लामाबाद आए हैं तो अच्छे से ज़रा बाहर निकल के जी तो सन्नाटा छा गया एकदम चक्कर आ गए मुझे मैंने कहा फ़ोन किया आज जी उधर ही बैठ रहे हैं जी ठीक है उधर ही सर्व करना है आपने हाँ जी चाय ओ'क्लॉक पे ही आके बैठ रहे हैं हम तो हम चाय ओ'क्लॉक जा रहे हैं ज़रा समोसा वमोसा खाएँगे अल्लाह मियाँ ख्याल रखे उम्मीद तो मुझे यही है कि हम इस्लामाबाद में तो हमारा फ़ोन सेफ है पर वी आफ्टर ऑल वी आर इन पाकिस्तान तो चाय ओ'क्लॉक पर बैठने जा रहे हैं पीछे पार्टी आ रही है अपनी केरी चाय ओ'क्लॉक वाले ने बंदे ने जो आवाज़ दी है ना बस मैं समझ गई थी ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा मुझे लग गया
यार इतनी प्यारी कोई बैठक है, अभी आप दिखाते जगह चार क्लॉक जाना है हमने। तो ये है हमारा चाय क्लॉक, यहाँ के समोसे और चाय बड़ी कोई हाल है। और अभी जो है ना हम मजे मजे के हमारी पसंद के गाने भी चल रहे हैं, और भाई हमारे लिए यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ बैठे हैं। ये जो है ना चाय क्लॉक का मेन्यू है, और हमने मंगाया समोसा। पार्टियों सीन ये है कि चाय क्लॉक पे आके हम बैठे हैं और अपने समोसों का और चाय का वेट करें। अब यार क्या रिजल्ट है ये सिनेमैटिक्स पे आईफोन के, वो लाइट कितनी जबरदस्त है और मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये चाय क्लॉक के बराबर में ना अर्ज लबनान, ये एक रेस्टोरेंट है, लेबनीज रेस्टोरेंट है। इसमें हम पहले आ चुके हैं, जब हम 2016 में आए थे तब आए थे, तो बहुत कोई अंत किस्म का लबनानी फूड होता है इसका। ये देखो जी हमारा ऑर्डर आया, चाय इधर रख दो अच्छे से, समोसा बास्केट। थैंक यू भैया। ये धुआं उड़ता हुआ गर्मा गर्म समोसा तो दिख रहा है आपको, काश धुआं भी दिख जाए ना, बहुत मजे का। पार्टियों अब हम जा रहे हैं अल्फता, और अल्फता में क्या लेने जा रहे हैं हम? बहुत सारा कुछ लेने जा रहे हैं, बहुत सारा सामान बताया हमें गलती औरतों ने, तो अब हम वो लेने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अल्फता, और अल्फता में अमान और रैयान जा रहे हैं, और सब ने ना फटाफट से ग्रोसरी करके लेके आनी है। हम सेम मैसेज किए देख के आ गए, हां सेम मैसेज पांच औरतों ने एक बार एक अलग अलग मान को किया है, कोई ग्रोसरी मिस ना हो। ताकि यार जैसे सऊदीया में हमारे पास पाँच और दस रियाल की शॉप होती है ना, जैसे बादशाहत हो गया 10 रियाल की शॉप, 5 रियाल की हो गई, वैसे यहाँ ये डॉलर स्टोर है। डॉलर स्टोर पे हर चीज़ $1 के प्राइस की मिलती है, तो हमने यहाँ से ट्रे ली है 2। डॉलर स्टोर मज़े की शॉप होती है, बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई क्वालिटी का सामान नहीं होता, बहुत ही कोई लो क्वालिटी का सामान होता है, लेकिन ये कि आपका गुजारा जो जैसे किचन की चीज़ें होती हैं ना, किचन कंटेनर्स, ये ऐसा कोई शीशे वीशे का सामान, ये मैंने ये अभी छोटे साइज़ की और बड़े साइज़ की ट्रे ली है। और ये जो किचन की बास्केट्स हो गई, कंटेनर्स हो गए, ये इस तरह की ये वाली प्रोडक्ट्स अच्छी हैं ओवरऑल। बाकी टॉयज़ वगैरह की इतनी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है। दिखाएँ दिखाएँ हमारी ट्रे दिखाएँ ब्लॉग में, बड़ी छोटी ट्रे कितने की मिली है ये बता देना लोगों को। 275 की एक मिली है, 2 मिली है 550 की, और एक छोटी है, एक बड़ी है, अच्छी ट्रे है। हाँ तो लीजिए लीजिए नहीं है, अगर आप इस पर कुछ रखेंगे तो वो हल 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 नहीं होगी। जिंजर और गार्लिक पाउडर लेना था तो ये ले लिया मैंने, कैनो चाहिए था तो ऑरिगैनो भी ले लिया।